The graph showing the correct variation of linear momentum p of a charged particle with its de Broglie wavelength lambda is. Okay. तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमसे कह रहे हैं किसी चार्ज की de Broglie wavelength और लीनियर मोमेंटम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे de Broglie wavelength. ये क्या होती है बच्चों? तो देखिए बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है भाई. डी ब्रोगली जी ने बताया था कि कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई भी मतलब हमारी बाइक, कार, बस या फिर ट्रेन या जिसकी भी आप बात कर लें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में, इन्होंने कहा सबके पास ड्यूअल नेचर है. मतलब पहले चर्चा हो रही थी कि लाइट में ड्यूअल नेचर है कि नहीं, बट डी ब्रोगली जी ने आए तो उन्होंने पूरा मामला ही खत्म कर दिया. उन्होंने कहा जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं सब में ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ जो होती है ऑब्जेक्ट की वो होती है एच अपान एम वी. क्या होती है? एच अपान एम वी. तो बच्चों ये इन्होंने कहा ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, मतलब ये वेवलेंथ हर पार्टिकल की. मतलब अगर तुम्हारा जैसे सपोज करो कि कार लेकर जा रहे हो तो कार का मास है कुछ और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उस समय तुम उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो इतनी कम आएगी कि पता नहीं चलती. इसीलिए जनरली वेव नेचर जो चीज़ें हम देखते हैं उनमें क्या होता है, डिसअपियर होता है, पता नहीं चलता, क्योंकि लैम्डा बहुत कम आएगा, बट रियलिटी में वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी ना. तो यही इन्होंने बताया था. अब बच्चों हमको पता है यहाँ पे एच क्या होता है. एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. एम होता है मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. और बच्चों यहां पे जो एम ये वी है ये होती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम पी लिख सकते हैं. पी क्या है बच्चों? ये है लीनियर मोमेंटम, पता है ना. अच्छा तो बच्चों अब देखिए, तो अगर एम वी की जगह यहां पे पी रख देंगे तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी. यानी कि ध्यान से देखो तो लैम्डा इन टू पी बराबर एच, जो कि क्या है, कांस्टेंट है. तो बच्चों क्या ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई एक्स वाई इज इक्वल टू सी की तरह, एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट? जब ऐसी इक्वेशन होती थी तो x और y के बीच ग्राफ ऐसा बनता था, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ग्राफ बनता है. इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो ऐसा करो बनता है. इसका मतलब लैम्डा और p में भी कैसा करो बनेगा, कुछ इसी तरह का बनेगा, बिल्कुल बनेगा. तो मान लीजिए कि लैम्डा इधर आ गया हमारे पास x एक्सिस में और p आ गया y एक्सिस में, तो ये करो कैसा बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा. ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो द वेरिएशन ऑफ लैम्डा विद पी विल बी शोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों.